हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा मेहरोत्रा एंड वेलकम टू माय रिची रिच किचन। आज हम बनाएंगे मैट समोसा, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैट समोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने दो बड़े बाउल मैंने मैदा ली है। मैंने इस बाउल से मैदा नापी है, आप अपना रेशियो किसी से भी कर सकते हैं। दो बड़े बाउल में कम से कम 8 से 10 समोसे बन जाएंगे। अब मैं इसमें नमक डालूंगी 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून और यहाँ पे मैं 7 से 8 टेबल स्पून घी डालूंगी, जिससे इसमें समोसा बहुत खस्ता बनेगी। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं इसमें मोइन करने के लिए। और इसको हम अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और इसको मलने के लिए मैंने हल्का सा गर्म पानी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जिससे बस हमें मलने में भी बिल्कुल सफिशियंट रहे, उससे समोसा बहुत अच्छी खस्ता बनेगी। अब इसमें हमने यहाँ पे अच्छे से सब मिक्स कर लिया है इसको। अब इसको हम ऐसे बांध के देखेंगे, ये मोइन ठीक से अभी नहीं ज्यादा बन रहा है, एक लड्डू जैसा बनना चाहिए, जिससे कि ये समझ में आता है कि हाँ मोइन अच्छा है, बिल्कुल अच्छे से पड़ा है। लगभग 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे और ले लिया है ऑयल। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये लड्डू जैसा बन रहा है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम मलेंगे। लगभग ये मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट या बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम एक बार फिर से पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने से हमें डो का अंदाज रहता है कि वो किस सही तरीके से मल रहा है या नहीं। अब हाथ में हल्का सा ऑयल लेके इसको हम फाइनली अच्छे से इसको मल देंगे। हमारी मैदा बहुत अच्छी मल चुकी है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे समोसे के लिए। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और वो अच्छे से गर्म भी हो चुका है। अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल दूंगी, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। अब इसे हम इसमें तड़का लगाएंगे। 1 टीस्पून इसमें हम जीरा डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे। गैस को भी हम हल्की सी तेज कर देंगे, क्योंकि पहले से ही पैन हमारा गर्म है। अब इसमें हम 1 TBSP इसमें हम पिसा धनिया डालेंगे। हम इस समय लो एकदम इसमें फ्लेम एकदम इस समय लो कर लेंगे, क्योंकि फिर मसाले जलने का डर रहता है। अब इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून अमचूर डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मसाले को चला देंगे। अब इसमें हम अदरक हरी मिर्चा कटी हुई डालेंगे। बिना अदरक हरी मिर्चा के हमारा इंडियन फ्लेवर कभी भी पूरा नहीं होता है। इसको हम हल्का हल्का भूनेंगे। इस समय मैंने गैस यहाँ पे ऑफ कर दी है, नहीं तो हमारा मसाला जल सकता है। यहाँ मैंने 4 बड़े बड़े आलू लिए हैं उबले हुए। अब इसे हम इसमें फोड़ेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। यहाँ मैंने आलू फोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी, 1.5 TBSP टेबल स्पून इसमें हम नमक डालूंगी। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे खूब अच्छा क्रिस्पी भून देंगे हम। अब ये काफी अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इसे हम मैश कर देंगे और इसको धीमी और मीडियम फ्लेम करके इसको हम भूनेंगे। हमारा मटेरियल बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आप अपने स्वाद के हिसाब से मसाले को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। इसमें आप उबली हुई हरी मटर भी डाल सकते हैं। सब अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। वैसे मेरी राय ये रहेगी कि अगर हमें कोई स्टफिंग किसी चीज में फिल करनी होती है, तो उसे हम थोड़ा सा तीखा, चटपटा, खट्टा ऐसा बनाएं। तो जब हम उसे खाते हैं तो ऊपर तो पहले हमारे उसमें समोसे की लेयर आएगी, उसके बाद हमारे मुंह में ये स्टफिंग आएगी, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे एक अलग बोल में निकाल देती हूँ। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे मैदे को हमने सेट होने के लिए रखा था, वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम कैसे बेलेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब हम यहाँ पे ऐसे एक
ये तोड़ लेंगे इसका मैदे का डो, और इसको हम थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे हम पराठी बेलते हैं रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हम लोई लेंगे। इसको हम चिकना करेंगे। अब इसमें मैं यहाँ पे सूखी मैदा इसमें लगा दूंगी हल्की सी, और इसको हम बेलेंगे। बहुत हमें ये पतला नहीं बेलना है, ना बहुत ही ज्यादा मोटा बेलना है हमें इसे। इसको मैंने यहाँ बेल लिया है। अब हम इसके साइड्स को काट देंगे, इसको हमें रेक्टेंगुलर शेप देना है। हम इसको चारों तरफ से काट देंगे, इसे हम रेक्टेंगुलर शेप देंगे, और इस ये जो इसकी साइड्स हैं इन्हें हम हटा के इसे हम उसी मैदा में मिला देंगे, इसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। हम इसे उठा के इस तरीके से यहाँ पलट के रख देंगे। हम इसको सीधा सीधा ऐसे लंबा लंबा काटेंगे। अब हमें इसको प्लस की तरह से बनाना है, एक हमें ऐसे रखना है और एक हम इसको ऐसे रखेंगे। हम इसमें स्टफिंग डालेंगे बिल्कुल बीच में। अब पहले इसे हम यहां से बंद करेंगे इस तरीके से, फिर यहां से बंद करेंगे। अब हम इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे, इधर भी ऐसे ही कट लगाएंगे। अब पहले हम इसे यहां पर ऐसे यहां पर रखेंगे, दूसरा हिस्सा हम इसके ऊपर यहां रखेंगे। इस तरीके से करते करते हम इसे मैट का लुक देंगे, फिर यहां पे, फिर यहां पे ऊपर, अब फिर से हम इसे यहां पे ऐसे इधर से करेंगे, अब इधर साइड से करेंगे। इस तरीके से हम यहां से मैट का शेप देंगे। मैं आप लोग को एक और बनाना बताती हूं। अब यहां हम इसे वैसे ही गोल बड़ा बिल्कुल बेल लेंगे। यहां मैंने इसे बेल लिया है, ये इस तरीके से ही बस इतना ही पतला ऐसे बेलेगा। इसको मैं फिर से इसके एजेस काट दूंगी, इसको हम रेक्टेंगुलर शेप देंगे। हम इसको ऐसे लंबाई से काट देंगे और इसको प्लस की तरह से शेप में हम इसे रखेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, एक तरफ से हम इधर से ऐसे बंद कर देंगे और एक तरफ से ऐसे बंद कर देंगे। अब यहां पे हम ऐसे पानी लगा देंगे जिससे ये अच्छे से चिपकेगा। अब इसके हम एजेस काट देंगे, हमें बहुत पतले एजेस नहीं काटने हैं, इस तरीके से हम यहां से काट देंगे। अब इसे हम ऐसे ही वन बाय वन करके इस तरीके से करके यहां पे चिपकाते चले जाएंगे, फिर इधर से लेंगे, यहां से उसको थोड़ा खींच के हमें चिपकाना चाहिए क्योंकि मैदा जो होती है वो बेलने के बाद भी छोटी होती चली जाती है खींच खींच के। अब इसे भी हम ऐसे करेंगे, थोड़ा गैप दे के हम इसको मिस करेंगे। हमें इसमें मैट का शेप देना है। यहां से हम इसको उठा के इस तरीके से करेंगे तभी ये मैट का शेप आएगा। हमारा समोसा तैयार है, अब इसे हम तलेंगे थोड़ा देर। यहां मैंने पहले से ही कढ़ाई गरम करके रखी है। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदे का टुकड़ा डाल के चेक करेंगे कि ये सही से गरम हुआ है या नहीं। ये बहुत अच्छा गरम हो चुका है, ये बिल्कुल अपने आप ऊपर तैर कर आ गई है इसकी मैदा। इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम एक एक करके ये मैट समोसा डालेंगे और इसको हम दोनों तरफ से गोल्डन होने तक तलेंगे। इसको हम पहले छुएंगे नहीं अभी थोड़ी देर तक, जिससे कि नीचे से अच्छे से गोल्डन हो जाए। अभी समोसा दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है। इसे हम बिल्कुल घी ऐसे निकाल के एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो लीजिए हमारे मैट समोसे बिल्कुल रेडी हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। आप इन्हें किटी पार्टीज, बच्चों की बर्थडे पार्टीज या अपने सुबह शाम के नाश्ते में भी इसे खा सकते हैं। बच्चों को ये टिफिन में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसे चटनी, सॉस, किसी चीज के भी संग खाइए, मीठी सौंठ के संग खाइए। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत देखने में तो सुंदर है ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।